हे गाइस, दिस इज सुराज और मैंने ऑर्डर किया था Skullcandy Anti Headphones को, जो कि मुझे आज ही डिलीवर हुआ है। तो आइए करते हैं इसकी एक अनबॉक्सिंग और साथ ही मैं आपको दूंगा इसका एक छोटा सा रिव्यू भी। ओके, तो ये है बॉक्स। यहाँ सामने की तरफ बिल फिक्स किया हुआ है। फ्लिपकार्ट की यही हरकत मुझे नहीं पसंद है। चलिए इसे दूसरी तरफ से अनबॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए मैं नॉर्मली ब्लेड ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे काम बहुत जल्दी होता है। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है, इसको थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा। ओके, तो ये अनबॉक्स हो चुका है। बॉक्स खोलते ही आपको सबसे पहले ऊपर दिखता है ये Skullcandy, काफी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। और फ्लिपकार्ट की पैकिंग अगर हटा दें तो ये देखिए, ये है Skullcandy का बॉक्स। जितना प्रीमियम इसके बॉक्स का लुक है, हो सकता है कि हेडफोन भी उतना ही प्रीमियम होगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको Skullcandy का ब्रांडिंग मिल जाएगी। ये हेडफोन है ब्लू कलर का, मेरा फेवरेट कलर, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। यहाँ लिखा हुआ है ANTI, यानी कि एंटी। ठीक है, राइट साइड पे भी इसकी एक साइड बनी हुई है। पीछे की तरफ Skullcandy का नाम लिखा हुआ है और इधर लोगो है हेडफोन का पिक्चर। देन यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश सुप्रीम साउंड लो प्रोफाइल फिट फ्रेंच में। ये बाकी चीज़ें स्पेसिफिकेशन है, थोड़ी बहुत, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे आप ओपन करना पड़ेगा पीछे की साइड से, जो कि है कुछ ऐसा। ठीक है, इसे ओपन करते हैं। चलिए, तो काफी मेहनत के बाद इसका बॉक्स खुल चुका है। अब यहां से इस हेडफोन को बाहर निकालते हैं। ठीक है, डब्बे में आपको कुछ और नहीं दिखेगा, तो इसको फेंक देते हैं। नेक्स्ट, ये है आपका हेडफोन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है, तो इसे यहां से बाहर निकाल लेते हैं। ये हेडफोन है, आप देख सकते हैं इसकी जो फिनिशिंग है, ये काफी मुझे पसंद आ रही है। यहाँ पर Skullcandy का लोगो बना हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे, और इस तरफ भी ये लोगो बना हुआ है। बीच में यहाँ पर ब्लैक कलर की एक पट्टी लगी हुई है। ओके, तो देखते हैं इसके अलावा और क्या है। ये है, मुझे लगता है ये यूजर मैनुअल होगा, नॉर्मली तो वही होता है। हाँ, तो ये वारंटी कार्ड है, इसमें साथ में यूज़र मैनुअल भी है। एक तरफ चाइनीज में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसे पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, इसको साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं हेडफोन की। ब्लू कलर की यहाँ पे फिनिशिंग है, क्योंकि पूरा हेडफोन ब्लू कलर का है, तो काफ़ी बेटर इसकी फिनिशिंग की गई है। इसके जो बड्स हैं, ये काफ़ी कम्फर्टेबल लग रहे हैं देखने में, बिकॉज कि मैंने एक हेडफोन को पहले ही यूज़ किया हुआ है इससे पहले, तो मुझे मालूम है कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है यूज़ करने में। यहाँ से ये बाहर आता है, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है, कहीं भी मेटल का यूज़ नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इसे खींचकर। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। ओके, और ये है इसका केबल, जो कि काफ़ी, मैं कहूँ कि चीप तरीके से इसको बनाया गया है। पैसे बचाने की पूरी कोशिश की गई है। इसे छू कर तो ऐसा ही लगता है, ये 3.5 mm का जैक है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली सिर्फ मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ किया जा सकता है, आप टैबलेट वगैरह में नहीं यूज़ कर सकते, पर इसे ट्राई करके देखेंगे। अगर ओवरऑल कहूँ तो ये सिर्फ एक डिसेंट प्रोडक्ट है। इसकी रिव्यू भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया हुआ है तो मुझे मालूम है। कम्फर्टेबल है, काफ़ी यूज़ करने में कम्फर्टेबल है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सर पर आपके बोझ सा हो गया है, जैसे सर पर किसी ने पत्थर रख दिया, वैसा फील नहीं होता इसे पहनने के बाद। इसके अलावा अगर साउंड और बेस की बात करें, तो Skullcandy को उसके लिए किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, वो काफ़ी फेमस है इस मामले में ही। तो साउंड और बेस तो काफ़ी बेटर है। इसे मैंने Flipkart से जब ऑर्डर किया था, तो मुझे ये मिला था 799 रुपये का,
नॉर्मली ये फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड होता है 999 रुपए के आसपास, और उसकी जो इसकी प्रिंटेड प्राइस होती है वो 2000 के आसपास होती है, पर उसका कोई मतलब है नहीं। अगर फ्लिपकार्ट पे आपको इसका बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा तो आपको 699 रुपए में ये अवेलेबल हो जाएगा, पर बिकॉज कि 799 मुझे मिल रहा था और 699 का मैं वेट कर नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया है। वो आप देखिए कि आपको इसका प्राइस क्या मिलता है जब आप इसे ऑर्डर करते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि अगर आपको 799 के आसपास का मिल जाए तो आप ले सकते हैं। अब बिकॉज कि इस रेंज में आपको इससे बेटर हेडफोन मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हेडफोन काफ़ी बेटर है बाकी इस रेंज में आने वाले हेडफोन्स के मुकाबले। फ्लिपकार्ट का भी एक हेडफोन आता है स्मार्ट बाय करके, वो भी मुझे उतना पसंद नहीं है, ये हेडफोन उसके मुकाबले बहुत अच्छा है। इसके अलावा 699 की रेंज में आपको सोनी का एक हेडफोन मिल जाता है, मैंने उसे भी यूज़ किया हुआ है, मैंने ऑर्डर किया था, पर वो भी उतना बेटर नहीं है जितना कि ये हेडफोन यूज़ करने में। सोनी का हेडफोन उतना कम्फर्टेबल लगता नहीं है, वो कान में दर्द करने लगता है, तो ये यूज़ करने में काफ़ी बेटर है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ तो ओवरऑल ये सिर्फ एक डिसेंट प्रोडक्ट है, आपको इससे बेटर प्रोडक्ट भी मिल सकता है अगर आप 2000-3000 की रेंज में जाते हैं, पर 700 की रेंज में, 800 की रेंज में, या अगर मैं कहूँ तो 1000 के अंदर ये हेडफोन मुझे सबसे बेटर लगा। अगर मैं रिकमेंड भी करूँगा तो मैं इसी को रिकमेंड करूँगा। हाँ, इसमें ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि इसके जो केबल की क्वालिटी है वो बहुत ही, मैं कहूँ कि घटिया है, घटिया कहना मुझे लगता है सही होगा, पर बेकार है। और इसके अलावा ये जो आपको ऊपर ओवर हेड वाला रिंग मिलता है, ये भी काफ़ी, मैं कहूँ कि बहुत ही कमज़ोर सा लगता है, तो आपको अगर ये हेडफोन यूज़ करना है तो आपको इसे बहुत ही संभाल कर रखना पड़ेगा। इसको मूव करने के लिए कोई जगह नहीं है कि आप इसे कहीं भी घुमा करके बंद करके रख दें और ये छोटा हो जाए, तो वैसा इसमें कुछ है नहीं। ये हेडफोन अगर आपको कहीं लेकर ट्रैवल भी करना होगा तो आपको इसे ऐसे ही लेकर के जाना होगा, तो इसके टूटने की संभावना जो है वो ज़्यादा है। पर मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि अगर आपको 1000 के रेंज में हेडफोन चाहिए तो ये उसमें काफ़ी पहले नंबर पे आता है अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल अगर इसमें रेटिंग दूंगा मैं तो इसे 4 out of 5 मैं इसे रेटिंग दूंगा। एक स्टार मैं इसलिए कम कर रहा हूँ क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है ये मुझे उतनी पसंद नहीं आई जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।